एवीपी ज्ञान फार्मेसी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नए यूज़र हैं तो आप, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहले यूट्यूब पे जो भी मैंने वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम थर्ड यूनिट के अंदर हर्बल एक्सपेक्टोरेंट। जो हर्बल एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो डिस्कस करेंगे हर्बल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सर सिग्निफिकेशन सब्सटेंस ऑफ नेचुरली ओरिजिन एक्सपेक्टोरेंट एंड कलर स्वीटनिंग एजेंट बाइंडर एंड डाइल्यूएंट, इतना हम डिस्कस करेंगे हर्बल एक्सपेक्टोरेंट। हर्बल एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि ऐसा एक ऐसा एक्सपेक्टोरेंट मतलब फार्मास्यूटिकल एक्सपेक्टोरेंट जो कि हम नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो हम मिक्स करते हैं प्रिपरेशन में या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कंपाउंड के अंदर या मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट, जो फार्मास्यूटिकल हम फार्मुलेशन करते हैं नेचुरली, ठीक नेचुरली इसे पॉलीसेक्राइड पॉलीमर यूज़ करते हैं ड्रग्स के अंदर डिलीवरी सिस्टम या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे एक्टिविटी क्या हो बढ़ जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए, एबिलिटी बढ़ जाए एंड पोटेंसिटी बढ़ जाए और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। ये हो गई हमारा हर्बल एक्सपेक्टोरेंट। जैसे एग्जाम्पल में फार्मास्यूटिकल जो एक्सपेक्टोरेंट इसे प्लांट से या ओरिजिन से निकालते हैं इसमें, जैसे लाइक दैट स्टार्च हो गया, गार हो गया, जैंथिन गम हो गया, अगार हो गया, जिलेटिन हो गया, अकेसिया हो गया, ईटीसी। ये सब जो एग्जांपल हम लोग एक्सपेक्टोरेंट के अंदर यूज़ करते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट मेनली सिस्टम है जिसके अंदर मीडियम है जो डिलीवरी मेडिसिन टर्म दिया गया है एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें जो नेचुरली एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे बाइंडर हो गया, बाइंडिंग एजेंट बोलते हैं, डिसग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, या सब्सटेंसिंग एजेंट बोलते हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट बोलते हैं, या थिंकिंग एजेंट बोलते हैं, जिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, हम इसके अंदर देखेंगे एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में जैसे देखते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि जो हम पॉलीमर नेचुरली सोर्स लेते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देते हैं, जो कि इसका एडवांटेज बहुत मोस्ट है कि ये नॉन इफेक्टिव होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा जी है कि जो हम ऐसा बायो कंपेबिलिटी या नॉन टॉक्सिक, इसमें हम जैसे पॉलीमर नॉन टॉक्सिक यूज़ करते हैं प्लांट या प्रोडक्ट केमिकली या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मुलेशन जैसे ही करेंगे मोनोसेक्राइड एक यूनिट। ठीक, नेक्स्ट में क्या है कि जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में जो हमारा नेचुरली पाएंगे या पाए जाते हैं पॉलीमर या प्रोडक्ट के लिए कास्ट उसके बहुत कम होते हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं सॉफ्ट एंड ड्यूइड्स एंड साइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नेचुरली सोर्स से पाए जाते हैं या थेरेप्यूटिक उसके फोर्स होते हैं सॉफ्ट के, इसमें क्या होता है कि जो हमारा साइड इफेक्ट है वो नहीं होता है इजली। एबिलिटी में क्या होता है कि जो कंटेन प्रोडक्ट जो कि इजली मिल जाते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका यह है कि माइक्रोबियल और कंटामिनेशन एक्सपेक्टोरेंट के अंदर इन्वायरमेंटल के अंदर ड्यूरिंग होते हैं प्रोडक्शन। वेरिएशन में क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड्स या कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट को या फिक्स करते हैं क्वालिटी को या इंग्रेडिएंट को, उस नियम को हम फॉलो करते हैं जिसमें सिंथेटिक प्रोडक्ट और नेचुरली पॉलीमर डिपेंड होते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल या फिजिकल फैक्टर जो अनकंट्रोलेड अनकंट्रोल हाइड्रेशन में जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर्बल एक्सपेक्टोरेंट जो कि डिफरेंट नेचुरली मटेरियल और डिफरेंट टाइम से और डिफरेंट रीजन या स्पेसिस या क्लीनिंग कंडीशन में
से स्लो प्रोसेस में क्या होता है कि जो रेट हमारा प्रोडक्शन होता है नेचुरली सब्सटेंस में, इसमें वेरी लो जो कि ना के बराबर चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन रेट की डिपेंड होते हैं, यूनिफॉर्मेबिलिटी और इन्वायरमेंटल जो होते हैं उसके फैक्टर बहुत कम होते हैं। हैविंग मटेरियल फार्मुलेशन या कंटामिनेशन जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट होते हैं उसमें हाई कंटामिनेशन मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेशन ऑफ सब्सटेंस नेचुरली ओरिजिन के अंदर, जैसे कलरेंट। कलरेंट में क्या होता है कि जो हमारा नेचुरली कलर सब्सटेंस जो कि पाए कहाँ से जाते हैं, प्लांट के अंदर या केमिकल के अंदर या मिनरल के अंदर, ठीक, जो कि कॉमनली कलर वेजिटेबल्स या प्लांट कोई सोर्स से मिल गया, या लाइक जैसे रूट्स हो गया या बार्क हो गया, लिविंग जैसे वुड्स एंड अदर्स बायोलॉजिकल सोर्स से, ठीक, लाइक जैसे फंगस हो गया, लीच हो गया। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म कंपाउंड होते हैं वो जनरली हम लोग यूज़ कर लेंगे कलरेंट के लिए, जो कि केमिकल सिंथेटिक। सिंथेटिक जो कलरेंट होते हैं, कलर होते हैं, वो हमारे इजली सिंथेटिक होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिफिकेशन या आइडिया प्रॉपर्टी ऑफ कलरेंट। इसमें क्या होता है कि नॉन टॉक्सिक, और नॉन टॉक्सिक होते हैं और फिजियोलॉजिकल जो इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम हार्मफुल कंपाउंड जैसे वाटर्स या ऑयल्स, जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं। इसमें स्प्रिट सॉल्युबल क्या है, कलर रिक्वायरमेंट जितनी ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि अनकम्पलेबिलिटी से टेस्ट और आर्डर दोनों होते हैं। इसमें क्या है कि वेरिएबल और इकोनॉमिकल पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें कम्पलेबिलिटी साथ में और मेडिकामेंट भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में नेचुरली कलर में, जैसे एग्जांपल में हमारा टर्मिक, जो टर्मिक है वो कर्कुमिक लॉन्गा को टर्मरी बोलते हैं, टर्मिक बोलते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कर्कुमिक हाइड्रोफोबिक या कलर जो होता है उसका येलो या ओरिजिन कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। मोनोस, जैसे मोनोमर शख्स हैं, उसमें जो मोनोशक्स हैं प्रॉपर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, परफ्यूमिला हाइड्रोफिलिक या एलिजीन, जो कलर होते हैं रेड या पर्पल कलर के पाए जाते हैं। जैसे सनफ्लावर एग्जांपल में, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर में क्या है कि हेलियंथस के फैमिली हैं। ऑफ्टन क्या है, हेलियंथस इसकी फैमिली क्या है, स्ट्रेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लिफोफिलिक हेलियंथस हेलिथामेन, जो कलर होता है येलो रेड कलर के। इसमें हम पहले हम डिस्कस किए हैं, उस वीडियो में देख लीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप डायरेक्ट खोज सकते हैं। टोमेटो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं लिकोपीन या लिफोफिलिक होते हैं, जो कि रेड या ओरिजिन कलर के पाए जाते हैं। इसकी फैमिली जो होती है स्ट्रेसी होती है। अब कहाँ से पाए जाते हैं, ओरिजिन क्या होता है, वो सलाइबम या लाइसो रिसिकम रोज हीप होते हैं। फ्रूट्स जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइपोसीम, जो रेड कलर के होते हैं। स्वीटनिंग एजेंट की बात करें तो जो हमारा स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट या सब्सटेंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं पेपेबिलिटी के लिए और फूड का प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्ट के लिए। इसमें स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट होते हैं, जिसकी इंक्रीज कर देते हैं, जैसे प्रिपरेशन करेंगे स्वीटनिंग टेस्ट बढ़ा देंगे, जो कि हाई सॉल्युबल कंसंट्रेशन और स्वीटनिंग होते हैं, जिसमें इनविट क्या होते हैं, बैक्टीरिया इनविट हो जाते हैं और ग्रोथ कम करने लगते हैं, मतलब बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको रुक जाते हैं। जैसे सिरप, सिरप में कि हम नेचुरली जो हम प्लांट या फूड से जो कि कॉमनली स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्शन करके
और काल दस्त जैसे सूगर। स्वीटनर एजेंट में जैसे स्वीटनर एजेंट क्या होते हैं, टू टाइप्स के पाए जाते हैं, एक नेचुरली स्वीटनर एजेंट प्लांट से और दूसरा केमिकली सिंथेटिक आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक स्वीटनर या स्वीटनर। जो नेचुरली सिंथेटिक प्लांट ओरिजिन होते हैं जिसमें हम जैसे लाइक सुक्रोज फ्रक्टोज लैक्टोज मेल्टोज इन नेचुरली स्वीटनिंग एजेंट हैं, जो कि एजेंट जो होते हैं जैसे सिरप में यूज कर सकते हैं, जैसे मोलसर जैसे गुड़हल जिसको बोलते हैं, ब्लैक स्टेपा मेलवेस जो उसकी सिरप या सटाइवा, ये सब क्या है नेचुरली स्वीटनर है। ठीक, जैसे नॉन टॉक्सिक हैं, ओवरकम जो होते हैं प्रॉब्लम सुक्रोज से होते हैं, अनसिथेटिक होते हैं जिसमें जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसमें कम से कम रहते हैं, दिक्कत नहीं हो सकती है। अब केमिकल सिंथेटिक आर्टिफिशियल की बात करें जिसमें क्या आता है, स्वीटनर दो टाइप्स के पाए जाते हैं, एक होता है न्यूट्रेटिव स्वीटनर और दूसरा जो होता है नेक्स्ट है नॉन न्यूट्रेटिव। जो न्यूट्रेटिव होते हैं जैसे एग्जाम्पल में जैसे सॉर्बिटॉल हो गया, मेनिटॉल्स हो गया, लैक्टिटॉल हो गया, ये मिक्स करते हैं ग्लाइको या फ्रैक्टोज है, ये मिक्स कर जाते हैं ये इनएक्टिटिव होते हैं। जैसे नॉन न्यूट्रेटिव जो होते हैं स्वीटनर साइक्रीन हो गया, साइक्लामेट हो गया या एस्पोरेंट हो गया, ये सब लाइक जैसे हैं इन नॉन न्यूट्रोनेटिव स्वीटनिंग एजेंट हैं। जो बाइंडर क्या होता है कि बाइंडर एक ऐसा एजेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट कोहेसिव या ग्रेनुलेशन जो कि ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन के लिए, जो प्रोवाइड कराते हैं फेबिलिटी या इंक्रीज हो जाते हैं बाइंडिंग के लिए, जिसमें स्ट्रांग पार्टिकल बाइंडिंग एजेंट हम यूज करते हैं होल्ड या पाउडर इसमें ड्यूरिंग टैबलेट फार्मुलेशन में, या फिल करते हैं जिसमें अच्छी गुड हो टैबलेट के अंदर, गुड बाइंडर कैपेसिटी हो बाइंडर की, इसे ईथर हम ऐड करेंगे ड्राई मिक्स फॉर्म में, इसमें ग्रेनुलेशन लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जो बाइंडर हम फिल्टर करके और मिक्स कर देंगे और ड्राई कर देंगे, जो हमारा वेट बाइंडर होंगे मॉइस्चर इम्पॉर्टेंट उसमें इंग्रेडिएंट होंगे जो कि वेट ग्रेनुलेशन होंगे, जो बाइंडर ग्रेनुलेशन जो हाइड्रोफिलिक होंगे जो कि सॉल्युबल इन वाटर नेचर होंगे। जैसे एग्जांपल में नेचुरली जो बाइंडर पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, स्टार्च हो गया पहले ही बताएं, जिलेटिन हो गया, अगार हो गया, अकेसिया हो गया, ट्रेगागैन हो गया, बाइंडर, ये सब क्या है बेसिकली हम बाइंडिंग एजेंट हैं जो कि क्लासिफाई किए गए हैं सॉल्युबल और बाइंडर। जो सॉल्युबल बाइंडर होते हैं जो डिजॉल्व कर देते हैं लाइक जैसे सॉल्युबल सॉल्वेंट जो कि वाटर जैसे अल्कोहल हो गया यूज कर सकते हैं वेट ग्रेनुलेशन के लिए, जैसे लाइक जिलेटिन सेलुलोज स्टार्च सुक्रोज एंड पॉलीइथाइल ग्लाइकोज ईटीसी, ये सब क्या है सॉल्युबल बाइंडर है। जो ड्राई बाइंडर होते हैं उसमें हम जैसे पाउडर मिक्स करते हैं से ईथर इसमें ग्रेनुलेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब हमारा ड्राई प्रोडक्ट पाउडर जो कंप्रेस मेथड के द्वारा हम इसको बाइंडिंग करेंगे। एग्जांपल में सेलुलोज मिथाइल सेलुलोज या पेरिलोइड या पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, ये सब क्या है हमारे ड्राई बाइंडर हैं। जो इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि ये लेस टॉक्सिक होते हैं, दूसरा जो कि बाइंडर होते हैं वो इजली अवेलेबल कर दिए जाते हैं, इजली अवेलेबल हमारे मार्केट में होते हैं,
नेक्स्ट क्या है कि जिसका एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी होती है वो बहुत जल्दी से हो जाती है, रिलीज कर देते हैं जो ड्रग्स के अंदर बाइंडिंग करेंगे, बाइंडर डालेंगे, वो बहुत एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। जो इसकी एबिलिटी होगी वो भी फास्ट होगी, जो स्टेबिलिटी होगी वो भी फास्ट होगी। इसमें डोजेस फार्म जो होंगे वो इनकम्फर्टेबल ड्रग्स के होंगे। जो नेचुरली हम लोग बाइंडर यूज करेंगे फार्मास्यूटिकल या फूड इंडस्ट्री के अंदर या एक्सपेक्टोरेंट। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका शॉर्ट टाइम, बिकॉज जो टैबलेट होते हैं होल्डिंग करने के लिए या हैंडलिंग करने के लिए वो डायरेक्ट डिक्रीज होने लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा डिजोल्यूशन हो गया है, डिजोल्यूशन या परफॉर्मेंस, उसमें क्या होता है कि डिस डिग्रेडेबल जो कि ऐड करते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें स्टेबिलिटी या इसकी टाइमिंग या कोटिंग या फिलिंग बहुत कम समय में हो सकती है। जैसे एग्जांपल में अकेसिया की बात करें तो जो हमारा अकेसिया है अकॉर्डिंग टू यूएसए के अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग नहीं, यूएसए के अकॉर्डिंग, जिसमें अकेसिया होता है, अकेसिया जो कि पाया जाता है ओरिजिन अकेसिया सेनिजल, इसकी फैमिली क्या होती है लुगमिनेसी होगी। जो अकेसिया प्लांट से या डिफरेंट टाइप से प्लांट से निकाले जाते हैं, वो भी ट्री से, जो अकेसिया कंटेन होते हैं वो टॉक्सिक केमिकल या पोटेंशियल जो कि काज क्या करते हैं हेयर को लॉस कर देते हैं। मॉर्फोलॉजिकल इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कलर जो होते हैं, कलर जो टर्म क्या दिए गए हैं, जो वाइट होते हैं या पेल या येलो कलर या रेड कलर, जो कि पाउडर या जो पेल येलो लाइट या ब्राउन कलर के या रेड कलर के पाए जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल में। ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर लेस होते हैं। टेस्ट में क्या होता है कि बैड या ब्लेड होते हैं और म्यूकोलिसिनियस मतलब कड़वे जैसे लगते हैं। जो इसकी सेप होती है, टर्म है जो सेप होती है वो क्या होता है, स्प्राउंडल होते हैं या ओरिंडिकल होते हैं। जो साइज इसकी उसकी जो डायमीटर होती है 2.5 या 3.0 सेंटीमीटर होती है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और एसिड सॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल होते हैं वो अल्कोहल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट क्या होता है, डाइल्यूएंट हम बनाते हैं टैबलेट के लिए, यूज करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए, जो कि प्रोवाइड प्रिपरेशन मेक टैबलेट और बेटर लाइफ बन सके, इम्प्रूव हो सके। इसमें कोहेसिव और डायरेक्टली कंप्रेस मेथड जो कि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं टैबलेट के अंदर, डाइल्यूएंट के अंदर, जिसमें जो हमारा इंक्रीज फ्लो बहुत कम हो। और जो हमारा एडवांटेज होते हैं, जो इसके अंदर जो वाइट टैबलेट होते हैं वो कैपेबिलिटी इसमें डाइल्यूएंट फिल्टर करते हैं, जो यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल जो टैबलेट बनाते हैं उसमें इंक्रीज करा देते हैं वेट को, इम्प्रूव कराते हैं एंड कंट्रोल यूनिफॉर्म छोटे छोटे पार्ट। जो नेचुरली डाइल्यूएंट होते हैं स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट हो गया, शुगर एल्कोहल हो गए, ये क्या है डाइल्यूएंट, जो कि आफ्टर बेटर टैबलेट को प्रॉपर्टी देंगे। जो डाइल्यूएंट डिवाइड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक वाटर इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं डाइल्यूएंट जो यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्च हो गया वो भी पाउडर फॉर्म में, सेलुलोज या माइक्रो क्रिस्टलाइन, सेलुलोज या कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब क्या है इनसॉल्युबल है। जो सॉल्युबल होते हैं डाइल्यूएंट लैक्टोज और सुक्रोज और मैनेक्टोज सर्बिटोल, ये सब क्या है सॉल्युबल है वाटर। इसकी करेक्टर या प्रॉपर्टी जो डाइल्यूएंट की होती है वो होती है सपोर्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल को, जिसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ और कंटामिनेशन माइक्रोबियल के अंदर डोजेस फॉर्म के अंदर बहुत कम से कम हो। और क्या होता है कि जो हमारा
कलरलेस होते हैं, नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, नॉन इनविट कर देते हैं, जैसे जो फिजियोलॉजिकल होंगे या फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी देंगे उसको रोक देंगे। डाइल्यूएंट मतलब थोड़ा रोकते हैं, ये नहीं पूरा रोक देंगे, मतलब सार टाइम मतलब बहुत कम रोकते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के पास दोनों होती है। से एग्जांपल में लैक्टोज की बात करें, जो हमारे लैक्टोज होते हैं वो हमारे लैक्टोज जो कि यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल या मैन्युफैक्चरिंग, इसमें फिल्टर या डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट जैसे टैबलेट हो गए, टैबलेट या कैप्सूल जो कि प्रोवाइड कराते हैं बल्क और पाउडर, जैसे लैक्टोज रिएक्शन करा देंगे हमारा तो मोस्टली ड्रग्स बन जाएंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे विस्कोसिटी बिल्डर और डिसइंटीग्रेटिंग फ्लावर एंड परफ्यूम। लाइक दिस वीडियो जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।